किया है कि इस दफा PSL की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। आप यूं कह सकते हैं कराची की दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने मना कर दिया अपने प्लेयर्स को कि आपने कहीं लीग नहीं खेलनी, आपने डोमेस्टिक खेलनी। जी जेम्स विंस जो हैं इस मैच में चल जाते हैं, उसमें तो 80 प्लस करके मैच जिता देते हैं। हाँ। मैं समझता हूं कि सरफराज को ओपन करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा। प्रोग्राम प्ले ऑन में नाजरीन बात करते हैं PSL 7 की, जो कि बहुत सारी इसमें कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं, एनालिस्ट हैं क्रिकेट के, मुनीर हुसैन साहब जी। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक। अल्लाह का शुक्र रमीज भाई। 10 दिन रह गए, बस इंतजार नहीं हो रहा। बिल्कुल 10 दिन रह गए हैं PSL में, लेकिन अभी तक बहुत सारी कन्फ्यूजन्स चल रही हैं। अगर हम पहले बात करते हैं तो अभी तक ये डिसाइड फाइनल आज जाके हुआ है कि PSL का सॉन्ग जो है वो कौन गाने जा रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो PSL का सॉन्ग था उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, नसीबुल्लाह से वो गवाया गया था। तो इस दफ़ा PSL के सॉन्ग के हवाले से क्या? PSL सॉन्ग जो है इस दफ़ा सर AAA होने जा रहा है। AAA आपको पता है, AAA जानते हैं लोग बड़ा लकी है और कार्ड्स के हवाले से AAA, तो यहाँ पे भी AAA है। इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं अब्दुल्ला सिद्दीकी, ठीक है, एक ए हो गया। दूसरे आतिफ असलम जी ए, और तीसरी ए है आयमा बेग। जबरदस्त। तो मुझे उम्मीद है कि ये AAA जो है इस दफा कोई रंग लगाएगा। तो अगरचे टाइम कम है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा सॉन्ग होगा, क्योंकि आतिफ असलम आपको पता है इंटरनेशनली बहुत ज्यादा फेमस है, उनको बहुत ज्यादा चाहा जाता है, और उनकी आवाज में अगर PSL सॉन्ग होगा तो वो बहुत ज्यादा हिट हो सकता है। इस दफा ना PCB ने ये किया कि लास्ट टाइम जो सॉन्ग था ना वो एक महीना पहले आ गया था, तो उसकी वजह से ना लोगों को कीड़े निकालने का मौका जरा ज्यादा मिल गया लेकिन आप ये देखें ना, आतिफ असलम जिनने जो वर्ल्ड कप पे सॉन्ग सिंग किया है वो भी काफी फेमस हुआ है, और बहुत इस वजह से शायद इसको प्रेफरेंस दी गई है आतिफ असलम। बहुत बड़ा नाम है आदत से शुरू हुए, और मैं कहता हूँ कि आवाज बहुत प्यारी है, और इंडिया वाले अब अगर ये कंट्रोवर्सी ना हो इंडिया पाकिस्तान की, तो अब तक बहुत सारी फिल्मों के गाने गा चुके। बिल्कुल। तो PSL का सॉन्ग इस दफ़ा इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि एक सुपर डुपर हिट सॉन्ग आने वाला है। एक और मसला इस दफ़ा डिफरेंट सा पेश आ रहा है, वो है ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से। PCB ने ऐलान किया है कि इस दफ़ा PSL की ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। मुझे याद आ गए शफीकुर रहमान, बहुत मजाया निगार, मजा निगार, तो वो कहते थे कि छोटा बच्चा ना वो हमेशा लाडला होता है। बिल्कुल। और इसलिए छोटा बच्चा होना ही नहीं चाहिए तो यही PCB ने किया है कि इस दफ़ा कहते हैं जी ओपनिंग सेरेमनी ही नहीं होगी, नहीं होगी। खर्चा बचा रहे हैं, असल में ये खर्चा बचा रहे हैं। जो सॉन्ग भी डिले हुआ है उसकी वजह भी यही है कि वो ये कह रहे थे कि इस सॉन्ग के लिए पहले स्पॉन्सर तलाश करें, हम नहीं पैसे देंगे। तो इस दफ़ा रमीज राजा जो हैं, जाहिर बात है वो आए हैं, यंग हैं, मैं समझता हूँ कि चेयरमैन के हवाले से, पहले चेयरमैन आते थे वो काफ़ी एजड होते थे, तो वो जाहरी बात है कुछ नया करने जा रहे हैं। अभी प्लेयर्स के लिए एक तकरीब भी मुनक्किद की जा रही है, जो T20 वर्ल्ड कप जिन्होंने खेला था उनको अच्छा। उसमें इनामात दिए जाएंगे, उनको उनकी कारकर्दगी को सराहा जाएगा। तो ये एक नई चीज़ है जिससे प्लेयर जो है वो काफ़ी जो है वो मोटिवेट होगा कि अगरचे वो वर्ल्ड कप में विन नहीं कर सके लेकिन उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया तो उसका उन्हें इनाम मिलेगा। अच्छा, PSL की जो ओपनिंग सेरेमनी 5 थी उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, लाइटिंग का भी इशू था और भी बहुत सारे इश्यूज आए थे। वो कहते हैं लोकल एक ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिली। उसके बाद PSL 6 आपको पता है ऑडियंस के बगैर इन्होंने तुर्की में दी थी और वो काफ़ी बेहतर थी एज़ कम्पेयर टू PSL 5। तो 7 में दोबारा पाकिस्तान में क्या वो इंतजाम ना होने की वजह से डिले किया गया? बस लोगों की दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान में, दरअसल वो मेयार नहीं है इसकी ओपनिंग सेरेमनी के हवाले तो से। चंद नाम है, आप यूं कह सकते हैं कराची की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हाँ। अगर PSL की ओपनिंग सेरेमनी आप मुल्तान करवाएं तो आप देखें लोगों का कैसे रुझान होता है। मुल्तान ना सिर्फ शहर के हवाले से, टीम के हवाले से देखें तो बड़े सरप्राइज देते हैं। अभी उन्होंने एक नया सरप्राइज दिया है, कोच का ओटिस गिब्स को उन्होंने हायर किया है। T20 चैंपियन है वो, एक टीम को जिता चुके हैं, तो ये भी एक सरप्राइज है इस दफा ओटिस गिब्स की सूरत से। जी ओटिस गिब्स की सूरत में कि मुल्तान कोचिंग में इजाफा किया है। इसके अलावा पावर हिटिंग कोच, ये एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है, पावर हिटिंग कोच। T20 में आपको पता है पावर हिटिंग ना हो तो अब इसमें ये मुझे लगता है जो रिजवान ने
काम दिखाया ना, कि जिसको वो कहते थे कि हिट कर ही नहीं सकता, छक्का लगा ही नहीं सकता, माशाल्लाह वो कितना प्यारा छक्का लगाते हैं। तो उसने कोचिंग, जाहिर बात है, इसके लिए स्पेशल अपने आप को तैयार किया। तो अब पावर हिटिंग कोच बेन डंक जो है लाहौर ने पिक किया। तो अच्छा, बेन डंक लाहौर ने एज अ पावर हिटिंग कोच, पावर हिटिंग कोच का भी उन्हें दे दिया है कि पावर हिटिंग कोच भी है वो। इसी तरह से क्वेटा के पास शाहिद अफरीदी मौजूद है। तो टीम में जो भी मतलब होगा स्क्वाड में, किसी एक को वो रोल देंगे कि आप पावर हिटिंग की तरफ जाएं, क्योंकि पावर हिटिंग जो है उसके बगैर गुजारा नहीं है T20 का, कि आपको नंबर 10 नंबर 11 तक पावर हिटर चाहिए, पावर हिटर चाहिए। अच्छा, PSL मिनी ड्राफ्ट की बात करते हैं। आज तक जितने भी PSL हो चुके हैं, पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक एक्स्ट्रा या एक एडिशनल ड्राफ्ट पेश किया गया और उसको मिनी ड्राफ्ट का नाम दिया गया, जिसमें ये रूल थे कि कोई भी टीम दो प्लेयर्स जो है ना पिक कर सकती है, और वो दो प्लेयर दोनों फॉरनर्स नहीं होंगे, एक पाकिस्तानी और एक फॉरनर प्लेयर होगा, और एक एडिशनल पिक था। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी फैसिलिटीज़ दे दी गई कि आप कोई एक्सचेंज या तब्दील भी करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए फैसिलिटी है। तो उसमें आप क्या देखते हैं कि क्या कौन कौन से खिलाड़ी अवेलेबल थे और कौन कौन से पिक नहीं किए गए? जी, इसमें दरअसल वक्त के साथ साथ तब्दीली आती है। अब क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो है ना, वो हालांकि उनकी जो डोमेस्टिक लीग थी MSL वो कैंसिल हो गई, और ये चांस था कि जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं हमारे पास, कॉन्टन डी कॉक है, तबरेज शमसी है, डेविड मिलर है, कि वो खेलेंगे। लेकिन एंड टाइम पर जो है ना, बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर साउथ अफ्रीकन बोर्ड ने मना कर दिया अपने प्लेयर्स को कि आपने कहीं लीग नहीं खेलनी, आपने डोमेस्टिक खेलनी है। तो इससे एक बड़ा फर्क पड़ा। तो दूसरा ये है COVID-19। शाहिद अफरीदी का बयान आया है कि हर टीम को चाहिए कि 22 खिलाड़ी 22 प्लेयर साथ रखे, क्योंकि अगर कोविड में किसी तीन या चार प्लेयर कोविड का शिकार होते हैं तो आपका 18 का स्क्वाड फिर भी रहे। अब इससे उन्होंने क्या किया, 20 कर दिए हैं। अच्छा, 20 कर दिए हैं। लेकिन अभी भी देखें, दो टीमों ने 19 रखे हैं, उन्होंने अभी रिजर्व रखा कि अभी हम नहीं ले रहे। फिर ये होता है कि जिस तरह शेड्यूल चेंज हो रहे हैं कोविड की वजह से, तो जो प्लेयर अवेलेबल नहीं है उसकी जगह इनको कहा गया कि आप रिप्लेस कर लें। तो अब अगर हम देखें, बारी बारी हम डिस्कस कर लें, तो मुल्तान की अगर हम बात करते हैं, तो मुल्तान में देखें डेविड विली को सिलेक्ट किया, बिल्कुल फॉर्मर के तौर पे, और रिजवान हुसैन, अभी इनका हम नहीं जानते, हाँ, लेकिन डेविड विली बड़ी अच्छी सिलेक्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स ने साहबजादा फरहान, बिल्कुल आप कह रहे थे, मेरे फेवरेट हैं, हाँ, आप कह रहे थे कि साहबजादा फरहान को जरूर पिक किया जाए, और ये एक निगलेक्ट किए हुए प्लेयर हैं। लेकिन आप ये देखिए कि बहुत सारे प्लेयर ऐसे जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अहमद शहजाद, उसको भी पिक नहीं किया गया, इवन के मिनी ड्राफ्ट भी आया। अहमद शहजाद की मैं कह रहा हूँ, बता फैशन ज्यादा करते हैं, खेलते कम है, अब तक वो कहाँ होते हैं और देखें कहाँ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो इसलिए सारी बात। अच्छा, क्वेटा ने जो पिकअप किया है, इसमें क्वेटा ने जो चेंजेस किए हैं, जी इस पे बात करें। क्वेटा ने एक तो रिजर्व रखा है, ठीक है, दूसरा उन्होंने लिया है गुलाम मुदस्सर। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसने अच्छी पिक की, उन्होंने एक्स्ट्रा पिक का फायदा उठाया, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास जेम्स विंस हैं और सरफराज अहमद हैं। सरफराज अहमद के लिए मशवरा है मुइन खान का कि आप ऊपर आए। अच्छा, क्या मैं समझता हूँ कि सरफराज को ओपन करनी चाहिए। लेकिन अगर आप सरफराज की लास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं, तो एक T20 में उसको मौका दिया गया और आप देख लें उनकी वजह से मैच हारने लगे थे। वही मैं कह रहा हूँ ना, सरफराज अपने आप को समझते हैं कि मैं माजी का जावेद मियां दाद हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिंगल डबल करता रहूंगा और मेरे राउंड अबाउट जो है वो खिलाड़ी खेलते रहेंगे। तो ये बेटा T20 है, ये कोई टेस्ट मैच नहीं हो रहा। और पेशावर जलमी ने कोई खास मिनी ड्राफ्ट में चेंज नहीं ला, मोहम्मद उमर को ऐड किया है जस्ट। जी, मोहम्मद उमर अच्छा इजाफा है। मोहम्मद उमर कराची में, याद है आपको मैंने लास्ट में बताया था, इमाद वसीम की वजह से उनको वो मौका नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल, तो अब वो उन्हें मौका मिलेगा। पेशावर ने लास्ट टाइम भी आपको याद होगा वो एनक वाले एक थे स्पिनर, बड़े अच्छे, उन्होंने एक मैच में विकेट भी ली, लेकिन फिर अगले मैच में उन्हें चांस नहीं मिला। तो ये पेशावर जलमी ने अच्छी पिक की है मोहम्मद, लेकिन लाहौर का एडिशन हम जरूर उसका हम करना चाहेंगे। आकिफ जावेद ऐड किया गया है लाहौर में, बेन डंक को ऐड किया गया है, और इमरान रंधावा जो है ना ऐड किया गया है। आकिफ तो है, पहले देखा हुआ, पहले खेले हुए हैं। रंधावा जो एक नई एंट्री है, देखते हैं उनको कैसे पिक करते हैं। लेकिन बेन डंक मैच विनिंग प्लेयर है। जी जी, बेन डंक मैंने बताया उनको एक और रोल भी दे दिया है, पावर हिटिंग, पावर हिटर का, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपको क्या लगता है कि इनको किस हद तक फायदा देगा मिनी ड्राफ्ट? मिनी ड्राफ्ट में ज्यादा मैं कह रहा हूँ ना, साहबजादा फरहान, ये इंडिविजुअली तो फायदा हुआ है, लेकिन आप देखें मुल्तान सुल्तान है,
मुल्तान सुल्तान का जो मिडल ऑर्डर है ना वो बड़ा कमज़ोर है, तो मुल्तान सुल्तान को चाहिए था कि अपने मिडल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने डेविड विली को लिया और रिजवान हुसैन को लिया। तो मिडल ऑर्डर में देखें उनके पास दो प्लेयर मुझे नज़र आ रहे हैं सिर्फ, एक खुशदिल शाह हैं और एक और है उनके पास रेली रोसो, तो यही दो हैं मिडल में, बाकी उनके पास नहीं है। अच्छा, इस दफा जेम्स विंस आउट हो गए हैं जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ वो करते थे, तो इन हालांकि ये मुल्तान सुल्तान के साथ पहले रह चुके हैं, तो ये मतलब क्यों इनको आउट किया गया, इनकी जगह विल्स समीद को ऐड किया गया? जी जी, जेम्स विंस जो हैं वो क्या कहते हैं, जिस मैच में चल जाते हैं उसमें तो 80 प्लस करके मैच जिता देते हैं। हाँ बिल्कुल, तो मुल्तान के साथ उन्होंने लास्ट जो था ना वो पूरा नहीं किया था, मुकम्मल नहीं वो खेले थे, मुकम्मल नहीं, इस वजह से उन्होंने उसको रिप्लेस किया। अभी भी पार्शियली ये अवेलेबल थे, फुली अवेलेबल नहीं थे, तो इसी वजह से इनको शायद साइड पे किया गया। और अगर आप मुल्तान सुल्तान में एक और देखते हैं तो जॉनसन चार्ल्स को दोबारा एंटर किया गया, इन किया गया, और आउट किया गया ऑडियन स्मिथ को, और क्योंकि फुली अवेलेबल है जॉनसन चार्ल्स मुल्तान सुल्तान के। जॉनसन चार्ल्स अच्छे हिटर हैं और बॉटम हैंड से बड़ा अच्छा शॉट लगाते हैं, तो इसलिए उनको मौका दिया गया है। तो मेरा ख्याल है मजीद हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस कर लें इसको। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी प्लेयर का मैं जिक्र करना चाहूँगा, लियाम लिविंगस्टोन को जो है ना आउट कर दिया गया पिशावर जलमी से। जी जी, तो इसके मुतबादिल जो है अभी रिजर्व में रखा गया है, तो उसमें भी अब देखेंगे फर्दर, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। नाजरीन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।